मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्वी प्रदेश में अवैध खनन और अवैध खनन के परिवहन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए गिट्टी से भरे दो डंपरों को जब्त किया गया। साथ ही अलग अलग स्थान से रेत के तीन ट्रैक्टर ट्रॉली भी अवैध परिवहन करते हुए जब्त किए गए। वही इस संबंध में तहसीलदार अमित ठाकुर ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि प्रदेश में जो खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन है उस पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई के अनुक्रम में आज पुलिस, राजस्व और माइनिंग विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत तीन टीमें और दो डंपर जब्त किए।